हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम सर्वेइंग का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर एंड 30 मीटर चेन आर। तो 20 मीटर के लिए जो है प्लस माइनस 5 एमएम हो सकता है। 5 एमएम जो है मैक्सिमम टॉलरेंस 20 मीटर चेन के लिए हो सकता है, और 30 मीटर के लिए जो है प्लस माइनस 8 एमएम हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है आंसर हो गया, प्लस माइनस 5 एमएम एंड प्लस माइनस 8 एमएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनसेटिंग और एक्सीडेंटल इरर आर प्रोपोर्शनल टू। कंपनसेटिंग इरर जो है प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट लेंथ ऑफ लाइन के। दूसरा होता है कुमुलेटिव इरर। कुमुलेटिव इरर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ लाइन के। तो यहाँ पे बोल रहा है कंपनसेटिंग इरर, तो अंडर रूट एल बाय अंडर रूट एल का हो जाएगा प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से जो है हम एंगल 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री हम सेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो बोथ ऑफ द एबव। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो है यूज किया जाता है सेट आउट राइट एंगल एंड ऑफसेट। इट इज यूज द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। ये जो है वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक लाइंस प्रूफ लाइंस इन चेन सर्वेइंग आर एसेंशियली रिक्वायर्ड। तो चेक लाइन और प्रूफ या फिर प्रूफ लाइन इज प्रोवाइड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फील्ड वर्क। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है टू प्लॉट द चेन लाइन, ऑप्शन बी है टू प्लॉट द ऑफसेट, ऑप्शन सी है टू इंडिकेट द करेक्टनेस ऑफ द सर्वे वर्क। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स रिजल्ट इन हायर एक्यूरेसी फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन रफ ग्राउंड। रफ ग्राउंड पे जो है डिस्टेंस मेजर में किसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। ऑप्शन दिया है चैनिंग, टैपिंग, टैक्योमीटर। तो टैक्योमीटर का जो है रफ ग्राउंड पे एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम टैक्योमीटर से हम अगर फ्लैट ग्राउंड का मेजर करेंगे तो इसका एक्यूरेसी जो है बहुत कम होगा कंपेयर टू चैनिंग। एज कंपेयर टू चैनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड द एक्यूरेसी ऑफ टैक्योमीटर इज लो, बट इन रफ एंड स्टीप ग्राउंड एक्यूरेसी इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैनेज इन चेन सर्वेइंग सर्वे मीन्स। चैनेज का मीनिंग क्या होता है चेन सर्वे में। तो ऑप्शन दिया है द डिस्टेंस बिटवीन एंड स्टेशन, ऑप्शन बी है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द चेन लाइन, ऑप्शन सी है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द चेन लाइन फ्रॉम द जीरो एंड ऑफ द चेन, ऑप्शन डी है एनी डिस्टेंस मेजर बाय चेन इन फील्ड। तो चैनेज का मीनिंग होता है कि डिस्टेंस बिटवीन एंड स्टेशन, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। एक्यूरेसी जो है चेन सर्वेइंग में किस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ द ऑफसेट, लेंथ ऑफ द ऑफसेट पे डिपेंड करता है एक्यूरेसी। सेकेंड ऑप्शन है स्केल ऑफ द प्लॉटिंग, तो स्केल पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन सी है इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर्स, फीचर्स पे भी इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन डी है जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन, तो जनरल लेआउट लेआउट पे डिपेंड नहीं करता है एक्यूरेसी। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। ऑप्शन ए है लीनियर मेजरमेंट ओनली, ऑप्शन बी है एंगुलर मेजरमेंट ओनली, बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। चेन सर्वेइंग से हम सिर्फ लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन करेक्शन विथ एल एस लिस्ट टू नेम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे करेक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो स्लोप करेक्शन करेक्शन जो होता है माइनस एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा जो इक्वल टू होता है माइनस एच स्क्वायर बाय टू एल। पुल करेक्शन जो है पी माइनस पी नोट इंटू एल बाय ए होता है। सेक करेक्शन जो है डब्ल्यू एल स्क्वायर एल बाई 24 पी स्क्वायर होता है। टेम्परेचर करेक्शन जो है अल्फा टी माइनस टी नोट
इंटू एल होता है, मीन सी लेवल करेक्शन जो है माइनस एल एच बाय आर होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है प्लस माइनस एल इंटू वन माइनस एच बाय आर, ये जो है मीन सी लेवल करेक्शन है, तो ए का चार हो गया। उसके बाद बी है डब्ल्यू एल डब्ल्यू स्क्वायर एल बाय 24 पी स्क्वायर, ये जो है सैक करेक्शन है, तो ऑप्शन बी का हो जाएगा वन, तो बी का वन हो गया। उसके बाद सी सी है ए टी एफ माइनस टी एस इंटू एल, ये टेम्परेचर करेक्शन है, तो ये सी का तीन हो गया। उसके बाद डी जो है ये पुल करेक्शन है, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन इज नॉन टू बी 200 मीटर। ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन इज नॉन टू बी 200 मीटर व्हेन इज मेजर्ड विथ अ 20 मीटर टैप द लेंथ इज 200.80 मीटर। 200.80 मीटर जो है मेजर किया जा रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है द करेक्ट लेंथ ऑफ द 20 मीटर टेप इज, 20 मीटर का चेन है और वो मेजर कर रहा है ज़्यादा, 200 से ज़्यादा मेजर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि लेंथ जो है 20 मीटर से कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा, तो आंसर हो सकता है 19.92 या 19.98। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मुझे पता है कि लेंथ जो है 20 मीटर से कम आएगा, तो आप ये क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला का भी सॉल्व कर सकते हो कि 20 मीटर से कम आएगा, तो नीचे में जो है ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 20 से कम आएगा, तो 200 इंटू 20 बाई 200.80 को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19.92 मीटर। या फिर हम फॉर्मूला से करें तो करेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू होता है एक्चुअल लेंथ बटा नॉमिनल लेंथ इंटू मेजर डिस्टेंस, तो मेजर डिस्टेंस कितना है 200.80 मीटर, एक्चुअल लेंथ निकालना है x हो गया और नॉमिनल लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और करेक्ट डिस्टेंस मुझे पता है 200 है, तो x का यहां से वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफसेट r, ऑप्शन ए है लैटरल मेजरमेंट मेड विथ रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन, ऑप्शन बी है परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम चेन लाइंस, ऑप्शन सी है टेक टू अवॉइड अननेसेसरी वॉकिंग बिटवीन स्टेशन, ऑप्शन डी है मेजरमेंट विच आर नॉट मेड एट राइट एंगल टू द चेन लाइन। तो ऑफसेट जो है क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन, फ्रॉम द सर्वे लाइन इट मे बी परपेंडिकुलर और ऑब्लिक, परपेंडिकुलर या ऑब्लिक भी हो सकता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए लैटरल मेजरमेंट मेड विथ रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डबल लाइन फील्ड वर्क फील्ड बुक इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर रिकॉर्डिंग। डबल लाइन फील्ड वर्क यूज करते हैं हम साधारण ऑर्डनरी चेन सर्वे वर्क में, तो ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा ऑर्डनरी चेन सर्वे वर्क।